আমি কোনো কিছু করতে পারব না। তা যদি তেরো নদী চলতে পারে তো কবি ঠিক আছে, ভগবান সব কিছু দিয়ে উস মালিক নে। इसलिए मैंने पहले कहा बुरा मत मानना, बुरा मत मानना, बहुत बड़ी हलचल होगी। आपकी बात करने से किसी बाजू वाले का या बाजू वाले की कथा से ध्यान भंग होगा तो आपको उसका पाप ही लगेगा। ये व्यासपीठ से कह रहा हूं, अगर बात करने की इच्छा हो ना तो अगर बाहर जाकर बात करके वापस आकर बैठ जाना, इच्छा होती है जितने देर भी घड़ी आधी घड़ी आधी में बुनिया तुलसी संगत काज की हरे गोपी सतरा। जितनी देर देखो आत्मा से देखो श्रद्धा से देखो, एक ही हनुमान चालीसा करो, एक ही श्याम चालीसा करो, लेकिन बड़ी शिद्दत से करो, मस्ती से करो। ये तो तुम साइलेंट अगर कथा सुनोगे आपको पूरी कथा समझ में आएगी। कथा बहुत प्यारी आज की, और कथा कैसे सुननी है मुस्कुराते हुए सुनिए। कैसे सुनोगे मुस्कुराते हुए? और कौन सी हंसी हंसोगी बताओ, मामा सपने वाली नहीं? दुनिया मुख खोलकर हंसती है, हम मुख खोलकर नहीं, हम दिल खोलकर हंसेंगे। हंसी में भी छल है, पता नहीं कब छले है, इसलिए श्रद्धा से मस्ती से। और जब मैं जैसे श्याम को हूं तो मेरे साथ मुस्कुरा कर पास जैसे श्याम कह देना बस, और कुछ भी नहीं मांगूंगा दीदी, लेकिन मुस्कुरा कर कहना पड़ेगा। एक बार कहो ना जैसे, अभी हाथ बहुत करना मस्ती से जय श्री। मैंने यहां देखी, मैं जब यात्रा में आ रहा था तो दो चीजें बड़ी मुझे, एक तो कुर्सी, कुर्सी की बड़ी महिमा है, और एक साइकिल की। साइकिल एक कुर्सी, कुर्सी मिल गई और क्या चाहिए। अब आगे वाली कुर्सी तैयार हो जाए ठाकुर वाले तो मजा आ जाएगा। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से मिले, मेरे नाम तेरा नाम लेके मेरे प्राण तन से। और प्यारे भगवान को मन से याद करना, ये श्याम कथा श्रद्धा से सुनना, विश्वास से सुनना। अगर कोई मनोकामना मत न छुपाना, मन की बतिया तुमको लगा लेंगे छतिया। जय श्री श्याम जय श्री श्याम, निर्मल मन से बड़े सहज भाव से बाबा को कहना, बाबा जो हूं जैसा हूं तेरा हूं। त्वदीय वस्तु गोविंदम, हे नाथ तेरा था तेरा हूं और तेरा ही रहूंगा। और
श्याम बाबा से प्रेम करोगे पता है क्या होगा? देखो कुंभ में जाके तो 12 साल में एक बार अमृत मिलता है और श्याम के चरण में प्रतिपल अमृत मिलता है। आज बाबा की बारिश है, कल जल झूली एकादशी थी, और बाबा के चरणों में जाओगे पता ही क्या मिलेगा? करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, करो हरि से प्यार अमृत बरसेगा, करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, तुम करो श्याम से प्यार अमृत बरसेगा, तुम करो श्याम से प्यार अमृत बरसेगा, तुम करो हरि से प्यार अमृत बरसेगा, तो चली श्याम की गली मुझे कोई रोके ना, मैं तो चली श्याम की गली कोई रोके ना, मैं तो चली खाटू निकली मुझे कोई रोके ना, मैं तो चली खाटू निकली मुझे कोई रोके ना। वहां जाओ तो क्या मिलेगा? मुझे मिला रंगीला प्यार खाटू की गलियों में, मुझे मिला रंगीला प्यार खाटू की गलियों में, मुझे मिला रंगीला प्यार खाटू की गलियों में, मुझे मिला रंगीला प्यार खाटू की गलियों में। खाटू बोल बोल गया है, श्याम नाम एक सार अधारा कलयुग में बस यही सारा, जय श्री श्याम जय श्री श्याम है। कलौ के सब कीर्तना, कलयुग में भगवान का नाम, नाम धन, पायो जी पायो राम रत्न धनी पायो, मीरा भाई मीरा मेरे रत्नी है, आप सब राजस्थान की हो सब, हो आप राजस्थानी बन गए हो पक्का। देखो इसलिए श्रद्धा और भाव से कलौ के सब कीर्तना नाम धन, इसके प्रतिफल भगवान का नाम गाया करो। जो त्रेता द्वापर सतयुग में तब एक से जो चीज मिला करती थी कलयुग में वो केवल नाम से ही मिल जाती है। लोगों ने कलयुग को बहुत बेकार कह दिया, फिर कलयुग जैसा कोई युग नहीं हो सकता, कलयुग में सबसे बड़ा है कि नाम धन। वृंदावन गए कभी? प्रातःकाल 3 बजे हैं, मारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, मारो धन राधा श्री राधा, संत लोग गाते वो धन नाम धन, मारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, मारो धन राधा श्री राधा श्री राधा।
नाम धन है। यदि इधर कथाओं देखो ना तो क्या बोलोगे, मन ही मन जय श्री श्याम जय श्री श्याम जय श्री श्याम कहते रहना। तीर्थ में जाओगे अनंत गुना फल मिलता है, दिवाली में जाके और अनंत गुना फल मिलता है, और श्याम के चरणों में फिर जब नाम गाओगे तो भैया इसकी तो महिमा सरस्वती भी नहीं गा सकती। इसके मन ही मन ये मान लो आपका गुरु मंत्र है, जय श्री श्याम संत हितकारी बाबा ओढ़लकारी, जय श्री श्याम जय श्री श्याम काटुवरे बाबा जय श्री श्याम। बाबा श्याम का नाम है लख दातार। अब बताइए बाबा को लख दातार क्यों कहते हैं? बाबा ओढ़लकारी जय श्री श्याम जय श्री श्याम आप सब मारवाड़ी लोग हो सब समझते हो लखना जो आपके मन की बात है जानूंगा। कई लोग कहते गुरु जी ये बातें मत करो तो लाखों देता वो लख जाता, नहीं गलत, वो लाखों कहां देता वो सब कुछ देता है, कोई मांगना नहीं आता। अगर हमें मांगना आता तो मांगा उससे जाता जो नहीं देते, माँ से मांगने की जरूरत पड़ती है? माँ तो माँ होती है, परमात्मा हमारे सब कुछ का भगवान। तो बाबा का नाम है लख दाता। लख का मतलब जो आपकी बात को जान ले, आपके मन में क्या चल रहा है, आपके हृदय में क्या चल रहा है, आप खाटू किस लिए आए हो। और एक बात और कह दो, आप कितने भी कोशिश करना यहां से खाटू जाओ ना, कितनी भी कोशिश करना यहां से सोचते बाबा को ये बात कहूंगी बाबा ये बात कहूंगा ये कहूंगी ये कहूंगा, जब तेरा सीढ़ी चढ़ते बाबा से निकले मिलते सब कुछ भूल जाते, सब कुछ भूल जाते हैं, ऐसे मकोरा कागज के वापस वैसे के वैसे आ जाते हैं, वापस मुड़ते तो बाबा। और एक बात बोलता हूं, और कहीं हम जाते हैं ना तो क्या बोल के जाते हैं कि दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, और जो शाम का प्रेमी पुरुलिया से जाता है ना तो बोलता है बाबा से मिलने के लिए जा रहा हूं, बाबा के मिलने के लिए जा रहा हूं, और मिलना किससे होता है अपनों से होता है। दर्शन तो आए मैंने दर्शन किया, और मिलना होगा तो बातें होती है, और भक्त तो भगवान के बीच हमेशा लोग जो बातें होती है तो बाबा से हम मिलने जाते हैं और जाना भी चाहिए, अपनों के पास नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे। बाबा ओढ़ल लखदातारी जय श्री श्याम जय श्री श्याम काटुवरे बाबा जय श्री श्याम। एक बात मैं भूमिका बना रहा हूं थोड़ी सी, गाड़ी चलाते तो पहला गिर डालते ना, पहले थोड़ी डाल दूंगा जय श्री बोलो ना, जय श्री बड़े साइलेंट हो गए आप, जय श्री श्याम।